गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे रिसाइकल पेपर एट होम। उसके लिए हमें न्यूज पेपर चाहिए, एक पाउच चाहिए। हम जो है न्यूज सीजर लेंगे, उसको कट कर देंगे, कैन कट विद द हैंड आल्सो। अब हम इसको 4 hours के लिए सोक कर देंगे। गाइस आप इनू 4 घंटे हो गए रखे नू, हूँ आप इनू मिक्सी च पा के ग्राइंड करांगे। हमने इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंडर में डाला और देखो ये कितना फाइन है। इसको प्लेट में निकाल लिया है, अब एक हम सीव लेंगे और इसको उसमें डाल देंगे। गाइस हमने इसको एक सीव में निकाल लिया है, अब हम इसको 2 to 3 hours रखेंगे प्रेस करने से पहले कि इसका जो पानी है वो सारा है ड्रेन हो जाए। तो गाइस हमने इसको 3 hours के लिए रखा। अब हमारे को एक कॉटन का क्लोथ, एक प्लास्टिक शीट और 2 books चाहिए। जो कॉटन क्लोथ है हम उसको एक यहाँ पे बिछा लेंगे। उसके ऊपर ये जो हमने बनाया था उसके रख प्लेस करेंगे, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रखेंगे और जो 2 books हैं वो रखेंगे कि इसका जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए। यही स्टेप हम 3 hours के लिए करेंगे। तो गाइस अभी इसको बाहर निकाल लिया, जो हमने बुक्स रखी इसको 2-3 घंटे हो गए हैं, 2 to 3 hours हो गए। हमने इसको बुक्स के ऊपर रखा था, ऊपर प्लास्टिक की शीट दी थी। अब हम इसको सनलाइट में रखेंगे, जो कि अभी भी ये गीला है, तो इसको 2 to 3 hours सनलाइट में रखेंगे। अगर आपको इसमें कलर चाहिए, कलरफुल चाहिए, तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हो, बट मैं कलर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं इसको वाइट कलर बनाऊंगी, और वाइट कलर कैसे बनेगा, जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे ऑटोमेटिकली इट विल चेंज इनटू वाइट। सो लेट्स सी। तो गाइस हमने इसको 3 hours के लिए रखा और ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया। अभी हम इसके ऊपर लिखते हैं।